हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुल्लू गुगू ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। और ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। अपने फर्स्ट पार्ट में इसका देखा कि मैंने पूरी विधि विधान से पूजा किया, और यहाँ पर मैं अभी फर्स्ट पार्ट, अगर आप सब ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा फर्स्ट पार्ट। और ये उसका सेकंड पार्ट जाएगा, ये कर्मा ब्लॉक का। मैं अभी वो देखिए, मैंने बुक का पूजा किया है, जो किताब होती है व्रत कथा की, उसका पूजा किया है। और मैं यहाँ पे ओवरवास इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो पूजा कर रही थी, तो मैं यहाँ पे कुछ आप सबको मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैंने ओवरवास करके सब कुछ बता रही हूँ आपको। तो मैं अभी यहाँ पर वो व्रत कथा जो है वो मैं पढ़ूँगी, और उससे पहले मैं पूजा हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं भगवान जी से आशीर्वाद मांग रही हूँ अपने भाइयों के लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए, और साथ साथ अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी। तो चलिए आगे आप सब इस ब्लॉग में बने रहिए और व्रत का जरूर सुनिए। व्रत का कथा जो है सुनिएगा। ऐसा कहते हैं कि करने वालों का जो फल होता है उससे भी अच्छा, मतलब व्रत कथा सुनने से भी बहुत फल मिलता है। तो आप सब भी सुनिएगा और अपने फैमिली के लिए व्रत कथा का आशीर्वाद लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने अभी जो भाभी है हमारी बगल की, वो भी आई थी। तो मैं व्रत कथा सुनने से पहले हमेशा फूल और अक्षत रखे हाथ में रखने के बाद सुनना चाहिए, तो वो मैं उनको दे रही थी फूल और अक्षत, और उसके बाद मैं भी लेकर सुनूंगी। और यह गुग्गू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बार बार अंदर बाहर कर रहा था, और बाहर में मच्छर भी बहुत लग रहे, तो मैं सोच रही थी अंदर रहे बट रहा नहीं। तो चलिए आप सब बने रहिए इस ब्लॉग में। व्रत कथा। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर सोलहों प्रकार से पूजा करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ और आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे। उनके दो पुत्र थे, उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए। पंखा बंद कर दो तो आवाज़ नहीं खत्म चलेगा। और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी। और कर्म की स्त्री कर्कश तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी का व्रत करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः का नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर मार खराब जगह में फेंक देती थी। हे फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे कथा कर रही थी और एकाएक मुझे याद आया कि वो झूठ को ना कथा करने से पहले बांधते हैं, वो मैंने बांधा ही नहीं था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तो मैं बीच कथा से उठकर और ये पहले बांधने गई थी। और गांव में तो कथा अब लोग पढ़ने लगे हैं, पहले तो मतलब गीत गाया जाता था, पूजा करने के बाद गीत गाया जाता था, तो वो गीत गाने से पहले ना झूठ को बांधा जाता था। तो मुझे याद आया कई कि मैंने तो झूठ बांधा ही नहीं है, तो मैंने बीच से उठकर और झूठ को बांधने के लिए मैं उठी थी, तो यहाँ पे मैंने कथा को रोक कर किया था। अगर बहुत बड़ी गलती हुई थी और बहुत जल्दी मतलब याद आ गया था, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा भी करती हूँ, नहीं तो बिना बांधे हुए करती तो मुझे मेरा ये जो कर्मा व्रत है वो पूरा नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे बांध लिया और इसे कब खोलूंगी और क्या करूँगी इसके साथ, तो आप सभी इस ब्लॉग में बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसे भी कट करके छोटा करूँगी और फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊँगी कि इसे क्या किया जाता है। सो तो मैं वापस आ गई हूँ, अब फिर से व्रत कहूँगी कथा, तो आप सब कथा एक बार जरूर से ध्यान से सुनिएगा। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा प्रतिवर्ता धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी। और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा
नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की पत्नी प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वृत होकर दही और भात कर्मी के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में शुभ को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर मार खराब जगह में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसकी कर्म गृह छोड़कर भाग गए थे। अनंतर राजा भी उसके क्रम को बाहर भाग रहा है। कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चारों चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से भी जंगल से प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा था। उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़े थे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहाँ जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं। इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छुटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूठ का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मेरे वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, यह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था। तुम किंतु शास्त्र में निपुण होकर विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था, इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तूने देखा, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर्धन हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्यु लोक में सुख होकर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृत्तांत का श्रवण करें। हे विप्रे, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा कथा पूरा हो चुका है। मतलब कई कई बुक में बहुत सारी कथा होती हैं, पर इसमें एक ही था, तो हमारा जल्दी से मतलब कथा ख़त्म हो गया कर्माव्रत की। और मैं ना यहाँ पे भाइयों के लिए मतलब कपड़ा ये सब चढ़ाते हैं, तो मुझे साइज नहीं पता है, तो मैंने नहीं चढ़ाया था, तो इसलिए मैंने ना पैसे चढ़ा दिया है। जब भाई आएगा तो मैं उसे दे दूँगी, या फिर जब वो मैं जाऊँगी तो उसे दे दूँगी, वो अपने लोग ख़रीद लेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि मैं एक थाल को मतलब डेकोरेट कर रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आरती लगाऊंगी अब। और आरती की थाल ना हमेशा उसमें स्वास्तिक बनाकर लगाना चाहिए। और तो ये मैंने एक पंडित जी से मुझे बताए थे कि हम आरती ना हमेशा प्लेट में जब लगाते हो, ऐसे दिया से लगाते हो तब तो ठीक है, और अगर आप प्लेट से लगाते हो कपूर के साथ तो वो बिना स्वास्तिक के नहीं लगाना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। आपने अगर हमारा तीज वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें भी किया है, और अगर आपने हमारा तीज वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। तीज वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो और ये ब्लॉग तो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। और जो भी हमारे फर्स्ट व्यूअर्स हैं आज, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सब ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो आप सब देख रहे हैं मैंने पूरा वो मतलब थोड़ी सी मैंने वो उसमें वो स्वास्तिक बनाया और थोड़ा सा फूल रखा है और स्वास्तिक के बीच में जैसे दीवार पे स्वास्तिक बनाते हैं ना सेम टू सेम मैंने वैसे ही इस पे स्वास्तिक बनाया है। और हमारा ये पूरा मतलब एक कपूर को ना मैं एक छोटी सी प्लेट में रख के करूँगी क्योंकि ये ना गर्म ज़्यादा हो जाता है फिर बच्चे लोग इससे आरती नहीं ले पाते हैं तो मैं एक छोटा सा प्लेट में वो रखूँगी। तो अगर आप सबको पसंद आया हो तो बने रहिए आगे नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छा होगा। अब क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इस ब्लॉग को भी एंड करूँगी अब और ये भी मैं ओवर वॉइस यहाँ पे कर रही हूँ तो इस ब्लॉग को भी मैं एंड करूँगी और आरती करूँगी और आरती हम बहुत लोग मिलकर कर किए थे तो आरती ज़रूर सुनिएगा नेक्स्ट पार्ट का और साथ ही साथ हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो हाँ फ्रेंड्स आप सब ने कर्मा ब्लॉग का वो कथा सुना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस ब्लॉग से भी बाय बाय करते हैं आप सभी को बाय।